ये हमारे दादाजी स्वर्गीय श्री रघुनाथ सिंह और रखू दादा का लगाया हुआ बाग है। ये जगह हमारे गांव युवराजपुर से लगभग आधा किलोमीटर दूर है और हमारे दादा ने अपनी आधी से ज़्यादा जिंदगी इसी जगह पर बिताई है। वो गांव में बहुत कम जाते थे, लेकिन हम दोनों भाई और बाबूजी यहाँ रोज़ सुबह शाम आते थे। बाबूजी आज भी सुबह शाम आते हैं, लेकिन अकेले। तब यहाँ पेड़ कम, अनाज पैदा करने वाले खेत ज़्यादा थे। पंपिंग सेट, गन्ना पेरने की मशीन, थ्रेशर, लोगों की भीड़, दादा की 40-50 गाय, नौकर चाकर, बड़ा गुलजार रहता था यहाँ का माहौल। लेकिन दादा समझ गए थे कि ये रौनक बहुत दिन नहीं रहने वाली है, हम बहुत दिन यहाँ नहीं आने वाले हैं, फिर खेती कौन करेगा। अकेले बाबूजी के बस की बात नहीं थी, इसलिए बाग लगा दिया। आज दादाजी नहीं, लेकिन उनके लगाए हुए पेड़ सीना तान कर खड़े हैं और बाबूजी उन्हीं के अधूरे काम को पूरा कर रहे हैं। सागौन अड़ल बा, 60 गो बा, ये हमारा सबसे प्रिय खेत था, लेकिन अब ये भी बागों से ढक जाएगा। बाबूजी ने पूरे खेत में आम लगा दिया है। चलो देख लीजिए, यहाँ बड़े बड़े जहरीले सांप भी पाए जाते हैं, जिसे हम स्थानीय भाषा में कीड़ा बोलते हैं। जंगली जानवर घोरज बाबूजी की फसलों को रोज चर जाता है और उनके खेतों में रोज एक ही जगह पे गोबर करता है। जहाँ आ गया तो एक दिन तो हर रोज आ गया था, साल भर ही आ गई। एक तो गोबरा घोरवा के उम्र तो छिटवा दी कि बसाई तो ना खाई ऐसा। हाँ बताओ तो ये उपाय है। शिक्षक रह चुके बाबूजी बाबा की तरह पक्के किसान नहीं है, लेकिन खेती बाड़ी के लिए पूरा संघर्ष करते रहते हैं। कभी इस खेत में गन्ने की जबरदस्त फसल हुआ करती थी, लेकिन आज चारों तरफ अमरूद या आंवले के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। जमीन पर मसूर की दाल बोई हुई है, लेकिन ये दाल भी अब ज्यादा दिनों तक नहीं बोई जा सकेगी, क्योंकि जब बाग घने होंगे तो ये जमीन उनकी छाया से ढक जाएगी और छाया में खेती नहीं होती है, सिर्फ आराम होता है। ये बेर के पेड़ और उनके फल। हमारे इस बाग में सबसे ज्यादा पेड़ आंवला, आम, अमरूद, कटहल, बेर, बेल जिसे श्रीफल भी कहते हैं, नींबू इत्यादि का है, और ये इलाका इन फलों के लिए जाना जाता है। से मारल से डबल अब सांप मारल ये पेट के मार उठावल भाई है। किसी दुष्ट व्यक्ति ने पौधे को नुकसान पहुंचा दिया है, बाबूजी बहुत नाराज है। दादाजी को बागवानी का बहुत शौक था, इससे पहले भी वो एक बाग लगा चुके थे जिसे वो प्यार से नजर बाग कहते थे। ये उनके द्वारा लगाया हुआ दूसरा बाग है, जिसमें फलों के अलावा इमारती लकड़ियों वाले पेड़ भी खूब हैं। मैंने दादाजी को पेड़ों और जानवरों से बात करते हुए सुना है, वो अक्सर पता नहीं क्या इनसे बातें किया करते थे। सांझ का चाहे सवेरे आओ तो झाड़ा फिर बात करे। इन खेतों की धूल में खूब खेले हैं हम दोनों, इसी में बड़े हुए हैं। अब सोच ले कि ईटावा कल खाली हो जाए थलवा तो दूसरा थला लग जाए, ईटावा हो जी बेकार ना जाए, ईटा बेकार तो जाए ना, भाव बढ़ते बा सरकारी की बोला चलो सब बंद लगे वो तो बिगड़ लग कही। फिर बाबूजी को लगा कि हमें घर चलना चाहिए, क्योंकि अब उन्हें ही नहीं बल्कि इस बाग के पत्ते पत्ते को भी ये बात पता चल गई है कि हम महीनों बाद कुछ घंटों के लिए आते हैं, फिर हमें वापस मुंबई जाना होता है। बस इनसे हमारा रिश्ता ताला खोलने और कुछ देर बाद बंद करके चले जाने भर का है। इस जगह को डेरा कहते हैं, बाबा का डेरा। किसी समय मरभूम कही जाने वाली इस जमीन को बाबा ने अपनी पूरी जवानी दे दी, अपने खून पसीने और सपनों से सींच कर इसे हरा भरा बनाया। उनका इन पेड़ों इन दरख्तों से रात दिन का साथ था। बाबा इनके बागबान थे जो चले गए, बाबूजी सुबह शाम आते हैं।
लेकिन इन्हें रात दिन का साथी चाहिए। हम जब भी यहाँ से जाने लगते हैं, बाग का पत्ता पत्ता हमारी पीठ नोच नोच कर पूछने लगता है कि ऐ मेरे बागवान, तुम वापस कब आओगे? इनका इंतजार कभी खत्म होगा या नहीं, प्रश्न ये है, यक्ष प्रश्न। और प्रश्न ये भी है कि इसका जवाब हम कब तक नहीं देंगे।